नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 में चौथे प्रश्न का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इसके तीन पद और लिखिए। तो हमें एक यहाँ पर श्रेणी दी गई है, एपी का अर्थ होता है समांतर श्रेणी। तो हमें इस श्रेणी को बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अलावा हमें इसके तीन और पद ज्ञात करने हैं, यानी तीन और पद अर्थात इसके आगे आने वाली तीन और संख्याएं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर ये श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसके जो सारांतर हैं वो समान होंगे। अब सारांतर कैसे ज्ञात करते हैं? तो सारांतर का एक फार्मूला होता है डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू। तो पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं कि ए टू और ए वन है क्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी बराबर ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस ए टू। अब देखिए यहाँ पर D है जिसे सारांतर कहते हैं। अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसमें के हमेशा D का मान एक ही आएगा, और A2 है दूसरा पद यानी कि 3.2, माइनस का चिन्ह बीच में लगा है। A1 है पहला पद यानी कि एक माइनस 1.2, यानी कि दो पदों के अंतर को सारांतर कहते हैं, और सारांतर हमेशा समांतर श्रेणी में समान रहता है। अगर आप चाहें तो सारांतर प्रथम पद, दूसरा पद, एनवा पद, यानी समांतर श्रेणी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर किए हैं एक वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो यहाँ पर आपको उस वीडियो को लिंक मिल जाएगी, आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से समझाया है ये पूरा क्वेश्चन, आप बिना मेरे बताए अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो कर लेंगे। सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर ए थ्री माइनस ए टू और ए टू माइनस ए वन करते हैं। अगर इन दोनों जगहें पर D का मान समान आया तो ये समांतर श्रेणी है। तो चलिए पता करते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे D बराबर A2 का मान कितना है, A2 बराबर दूसरा पद है, ये है 3.2, माइनस 3.2 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे माइनस 1.2, A1 है तो माइनस 1.2, और क्या है इसमें, इसमें है माइनस 5.2 ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है माइनस 5.2। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 5.2, फिर माइनस बीच में माइनस है। अब यहाँ पर लगाएंगे दूसरा पद यानी ये माइनस 3.2, माइनस 3.2। अब देखिए अब आपको क्या करना है इसमें, अब यहाँ पर इसे और हल करेंगे। तो और हल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम D बराबर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस 3.2। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस और ये माइनस ये दोनों मिलकर प्लस बना लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस और माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा 1.2। और यहाँ पर लगाएंगे बीच में और है। अब देखिए अब यहाँ पर ये है माइनस 5.2, तो पहले माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 5.2, और ये वाला माइनस और ये माइनस ये दोनों मिलकर फिर से प्लस बना लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, ये बीच में प्लस लग जाएगा और ये माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा 3.2। फिर से हल करेंगे तो इस बार हम लगाते हैं इम्प्लाइज दैट, ये इस तरह से लगता है। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसमें ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हमें घटाना है यानी जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, इसमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो सबसे पहले देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस माइनस को भी हम कॉमन कर देते हैं। तो अगर हम माइनस को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा 3.2, 3.2, और यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसे आप गोरख में करना है, फेयर में नहीं लिखना है,
ये हो जाता है माइनस एक दशमलव दो। तो हमें हम इसे इस तरह से घटा सकते हैं, माइनस पूरा कॉमन ले लेते हैं और ये तीन दशमलव दो में से एक दशमलव दो हम घटा सकते हैं और जो आएगा उसे हम माइनस में उसका उत्तर लिख देंगे। तो दो में से दो गए जीरो दशमलव, तीन में से एक गए दो, हमें आ रहा है माइनस में ये क्या आ गया, ये में प्राप्त हुआ माइनस के दो, और अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस दो। समझ गए इसे कैसे घटाना है, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आएगा माइनस दो। और अब आपको दूसरा जो दूसरी तरफ का पद है उसे घटाना है, तो उसे हम कैसे घटाएंगे उसे भी चलिए हम रफ में एक बार समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा पद है माइनस पाँच पाँच दशमलव दो और प्लस के तीन दशमलव दो, तो इसमें भी हम माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस पाँच दशमलव दो प्लस, पाँच दशमलव दो प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस तीन दशमलव दो। अब फिर से हम माइनस बाहर करके इन दोनों को हम घटा देंगे, पाँच दशमलव दो माइनस तीन दशमलव दो घटा देते हैं। अब कैसे घटाएंगे, दो में से दो गए जीरो और पाँच में से तीन गए दो, ये दशमलव एक अंक पर है तो एक अंक पर लग जाएगा, दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता तो जीरो को हम हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमें प्राप्त होता है इसमें भी माइनस के ब्रैकेट में दो, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के दो, तो अब लिख लेते हैं इधर भी इसके स्थान पर माइनस दो प्राप्त हो गया। ये देखिए हमें दोनों श्रेणियों के स्थान पर माइनस दो ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि डी यानी कि इसका सारांतर दो पदों का अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें तीन पद अलावा आपको ज्ञात करने हैं, तो अलावा कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। सबसे पहले अब सबसे पहले हम इस श्रेणी में ऊपर गिन लेंगे कि हमें कितने पद पहले से ऑलरेडी दिए गए थे, तो इसमें गिनते हैं एक दो तीन चार, चार पद हमें पहले से प्राप्त हैं इसमें। अब हमें प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त करना है पांचवा पद छठवां पद और सातवां पद। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ब्लैक पेन से डी का जो हमें मान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं डी बराबर माइनस दो, ये हमें प्राप्त हुआ है, और इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमें आगे पढ़ने वाली है। अब हमें पांचवा पद छठवां पद और सातवां पद ज्ञात करना है, तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जिस वीडियो में मैंने आपको प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद ये सब बताया है, ए डी और आदि का मान बताया है, तो उसी वीडियो में हमने आपको बताया है कि इसे कैसे ज्ञात करते हैं पाँचवा पद और छठवां पद। तो इसे वो आप देखना चाहें तो आई बटन पर पहले से ही लिंक दी गई है, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें और सारे जो पाँचवें छठवें और सातवें पद हैं उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, सबसे पहले पाँचवा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाँचवा पद। अब पाँचवें पद का एक फार्मूला होता है क्योंकि बिना फार्मूले के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। तो पाँचवें पद का जो फार्मूला है वो होता है ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी, ये है हमारा फार्मूला। अब हमें इसी फार्मूले पर रखकर सब कुछ ज्ञात कर लेना है। ए बराबर होता है प्रथम पद और डी बराबर होता है सारांतर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं प्रथम पद, इम्प्लाइज दैट लगाते हैं। अब हमें ए बराबर क्या दिया गया है देखते हैं ऊपर, ए बराबर है माइनस एक दशमलव दो प्रथम पद जिसे कहते हैं, तो ये हो गया माइनस एक दशमलव दो, एक जगह पर रख देंगे, ए है माइनस एक दशमलव दो प्लस फोर इंटू ये गुणा है चार गुणे डी कितना भी आपको प्राप्त हुआ, तो ये है आपका माइनस दो, ये हो गया आपको माइनस दो। अब आपको कितना हुआ टोटल प्राप्त, तो यहाँ पर है इम्प्लाइड डेट लगाते हैं, हमें प्राप्त हुआ माइनस दो सॉरी माइनस एक दशमलव दो, बीच में प्लस है तो प्लस, चार दूनी आठ, माइनस की हो गया आठ, माइनस आठ इस तरह से। अब इसे हम और आगे थोड़ा हल कर देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर से इम्प्लाइज दैट लगाएंगे।
अब आपको क्या करना है, इसे ब्रेकर को खोलना है। तो ये हो जाएगा माइनस 1.2, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, -8। अब आपको इसको कैसे हल करना है, तो इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होगी, इसको भी देख लेते हैं। अब आपको इसमें करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेना है। तो यहाँ पर हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा माइनस कॉमन, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा 1.2 + 8, ये हो जाएगा। तो अब 1.2 + 8 कितना होता है, तो हम इसे जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 1.2 और 8, 0 इसे जीरो कर देते हैं, तो 0 के नीचे 0 वाले पर लिखे जाते हैं, तो 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2, फिर 0.9, और हमें प्राप्त हुआ है ये माइनस में 9.2, तो ये टोटल हो जाएगा बराबर -9.2। तो हमें क्या प्राप्त हुआ हमारा पांचवा पद, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर -9.2, ये हमें प्राप्त हुआ पांचवा पद। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर है, तो जितने भी आपको आंसर मिलते हैं उन्हें बॉक्स में बंद करना पड़ता है, ताकि जो एग्जामिनर है उसे अच्छे से पता चल सके कि आपने कहाँ कहाँ आंसर लिखा है। तो पांचवें तक पद तक हमारा प्राप्त हो गया, अब हमें प्राप्त करना है छठवां पद, तो इसे देखते हैं, ये है छठवां पद। छठवां पद ये क्या होगा, ये हमारा होगा a प्लस 5 × d। फिर से रखते हैं मान वैसे ही सेम टू सेम, -1.2 + 4, 5 है इस बार, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, −2, ये हो गया। अब हमें प्राप्त होगा यहाँ पर -1.2 -5 × 10, ये इस तरह इतना हो गया। अब ये 10 से 11 हो जाएगा 11.2, इसको जोड़ लेना आप रफ में, आपको पता चल जाएगा, ये में प्राप्त हो गया 11.2 माइनस का, और अब इसे भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये है ये -11.2। अब हमें छठवां पद ज्ञात करना है, छठवां हो गया। सातवां पद ये है सातवां पद, तो सातवें पद का फॉर्मूला होता है क्या होता है, a + 6d। तो फिर से रखते हैं, a का मान है -1.2 + 6 × d का मान है -2, तो -1.2 + 6 × 2 ये हो जाएगा -12, ब्रेकेट करते हैं। अब इसे हम करेंगे कवर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1.2 + -12। अब हम इसे इसमें 0 नहीं है, तो इसे हम एक इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद 0 वाली संख्या लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 13.2, वो भी माइनस में, इसे भी हम कर देते हैं बॉक्स के अंदर बंद। तो दोस्तों हमने सभी जो प्रश्न के अनुसार जो हमें बताया गया था उसको हमने हल कर लिया है। सबसे पहले हमने इसे चेक किया कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और इसे चेक करने के बाद हमने इसका पहला पद निकाला, फिर दूसरा पद निकाला यानी कि, और फिर तीसरा, यानी कि जो हमें प्रश्न में कहा गया था हमने सभी जो क्वेश्चन के आंसर थे सभी आंसर ज्ञात कर लिए हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं मिलूंगा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।